आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डेली करेंट अफेयर्स का वीडियो है 1 जून 2023 का। यह वीडियो सभी एग्जाम्स के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो आपके लिए यह वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं करेंट अफेयर्स के डेली के, सिर्फ उसको ही डिस्कस किया जाता है। पहला जो क्वेश्चन है, G20 ऊर्जा संक्रमण मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ होगी? तो इसका सही उत्तर है गोवा। गोवा जो राज्य है वहाँ G20 का ऊर्जा संक्रमण मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किया जाएगा गोवा में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोवा। अगला है, जनवरी से मार्च 2023 में भारत में शहरी बेरोजगारी कितने प्रतिशत तक गिरी है? तो सही उत्तर इसका है 6.8%। यानी भारत में जो है जनवरी से लेकर मार्च 2023 में शहरी बेरोजगारी जो है वह 6.8% तक यह गिरी है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा 6.8%। अगला है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने हिंदी पाठ्यक्रम शुरू किया है? तो सही उत्तर इसका है एडिनबर्ग विश्वविद्यालय जो है वह हाल ही में हिंदी पाठ्यक्रम को यह शुरू किया है अपने विश्वविद्यालय में। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा एडिनबर्ग विश्वविद्यालय। अगला है, न्यायमूर्ति रामचंद्र राव को किस उच्च न्यायालय में 28वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुना गया है? तो सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय जो है वहां न्यायमूर्ति रामचंद्र राव को उच्च न्यायालय के 28वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुना गया है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय। अगला है, नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जो है वह अगले केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने हैं। तो सही उत्तर इसका है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। अगला है, बोला तिनुबू को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो सही उत्तर है नाइजीरिया के जो राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है बोला तिनुबू। और बोला तिनुबू जो है वह नाइजीरिया जो देश है इसके नए राष्ट्रपति के रूप में यह चुने गए हैं। अगला है, मॉन्ट्रियल कनाडा में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की परिषद के लिए भारत के प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा अंग शुमाली रस्तोगी को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की परिषद के लिए भारत के प्रतिनिधि के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। अगला है, किस खिलाड़ी को महाराष्ट्र सरकार के लिए मुस्कान राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर क्रिकेटर है भारतीय और यह भारतीय पूर्व क्रिकेटर है सचिन तेंदुलकर को महाराष्ट्र सरकार के लिए मुस्कान राजदूत के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, तुर्की के राष्ट्रपति के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर इसका है तैयब एर्दोगन को तुर्की के नए राष्ट्रपति के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा तैयब एर्दोगन। अगला है, विश्व तम्बाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर है इसका 31 मई को हर साल विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस वर्ष जो है विश्व तंबाकू दिवस का जो विषय है वह हमें भोजन की आवश्यकता है तंबाकू की नहीं, यह विषय रखा गया है वर्ष 2023 का। और WHO जो संगठन है वह पहली बार 1987 में विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में यह मनाया था। अगला है, किस टीम ने कावा महिला चैलेंज कप 2023 का खिताब जीता है? तो सही उत्तर है भारत जो देश है वह कावा महिला चैलेंज कप 2023 का खिताब अपने नाम किया है। तो सही उत्तर है इसका हो जाएगा भारत, और इसे काठमांडू नेपाल में आयोजित किया गया था। अगला है, कोविड वर्ष 2020-21 की स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट में कौन सा राज्य शीर्ष प्रदर्शन करता है? तो सही उत्तर इसका है केरल और तमिलनाडु, यह दोनों जो राज्य है वह शीर्ष पोजीशन पर है। तो सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा केरल और तमिलनाडु। और जो नीति आयोग है वह स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट को हर साल यह जारी करता है। यह बड़े राज्य में केरल और तमिलनाडु जो है वह शीर्ष पर है। अगर हम छोटे राज्यों की बात करते हैं तो इसमें मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम जो है यह शीर्ष तीन स्थान पर यह राज्य हैं छोटे राज्यों में, और
मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड जो है वह सबसे नीचे है यह तीनों राज्य। अगर हम लोग केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो इसमें दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव शीर्ष पर है, जबकि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है वह सबसे अंतिम स्थान पर है। अगला क्वेश्चन, पुस्तक का नाम है NTR ए पॉलिटिकल बायोग्राफी, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका, रामचंद्र मूर्ति के द्वारा एक पुस्तक नहीं लिखी गई है जिसका नाम है NTR ए पॉलिटिकल बायोग्राफी, यह पुस्तक का नाम है। तो यह कुछ करंट अफेयर्स का न्यूज था 1 जून 2023 का। तो आई होप आपको मेरा कंटेंट पसंद आया होगा। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और इसे ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिएगा।